Hello students, this is the third video and here in this video the remaining principles will be taken. हम लोगों ने 8 principles previous video में कर लिए हैं और जो बचे हुए 6 हैं वो हम इस video में cover करेंगे. So next principle is principle of scalar chain. How the scalar chain is made? Pyol says there are the different keys. Keys means there are the different posts. कितने सारे लोग हैं जो हमारी इम्प्लॉयज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑर्गेनाइजेशन एक्स इज वर्किंग एट द टॉप लेवल और एक्स के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में ए बी सी, दूसरे डिपार्टमेंट में एल एम एन और ये आगे नीचे तक भी और जा सकता है. आई हैव टेकन ओनली द 3 पर्सन इन वन डिपार्टमेंट. सो प्योर कहता है कि इसमें देखो एक्स की ये जो चेन है, ये जो कीज है वो कैसे बनी है कि एक्स के नीचे एबीसी काम कर रहे हैं इन वन डिपार्टमेंट, एल एम एन आर वर्किंग इन द सेकंड डिपार्टमेंट एंड इफ एनी सिचुएशन कम्स बी वांट्स टू से एनीथिंग टू एम देन व्हाट विल बी द चेन, हाउ द कम्युनिकेशन टेक प्लेस, कैसे बात करेंगे दोनों आपस में. फ्यूल सेज नो की हैज टू बी स्किप्ड, मतलब खुद कोई बीच में छूटना नहीं चाहिए. वो कैसे होगा देखो, बी ए से बात करेगा, ए एक्स से, एक्स एल से, एल एम से, तो इस तरह से पूरी बात होगी. इन दिस वे द बी विल कम्युनिकेट विद द एम, मीन्स नो वन इज लेफ्ट एंड द इंफॉर्मेशन इज पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी चैनल. दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मीन्स अ सिस्टमेटिक पाथ हैज टू बी टेकन. The information will go through that channel and ultimately through that channel the information will reach from B to M. ठीक, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था. बी ने एम को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इमरजेंसी है, अगर वो सारे चैनल के थ्रू जाएगा देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. देन फॉर दिस प्रॉब्लम वन गैंग प्लैंक इज गिवन बाय फ्यूल. What is the game plan in case of emergency? Direct communication is possible. The two persons, they can communicate directly with each other. If any emergency is there, then no need to make the delays. Okay? So this is the principle of scalar chain. अगर देखो principle of scalar chain है, communication हर key से होकर जा रही है, then what will be the positive impact? First is the systematic flow of information. Everyone will get the information because the information is passing through each and every chain, every key. So it means no one will be left without the information. So systematic flow of information. It is not moving in the zigzag way that B se L mein gayi, L se X mein gayi. No zigzag way. Systematic flow of information. Aur koi communication gap nahi. Means no one is without the information. Everyone is getting the information. And clarity of authority and responsibility. बेटा जब ये स्केलर चेन बनती है, जब ये पता चलता है कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, ये स्केलर चेन ये हमें बताती है दैट व्हाट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द हायरार्की, व्हाट इज द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, हु इज एट द टॉप लेवल, हु इज एट द लोअर लेवल. सो दिस क्लैरिटी इज देयर बिटवीन द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, दैट विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट. ओके, स्केलर चेन क्या कहती है हमसे, द डिफरेंट कीज आर देयर, डिफरेंट पीपल आर वर्किंग, सम आर एट द टॉप लेवल, सम मिडल एंड सम आर एट लोअर लेवल. तो कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो प्रॉपर सब कीज से होकर जानी चाहिए. ओके, नो की विल बी स्किप्ड, नो की विल बी लेफ्ट और ये हो जाएंगे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट. सिस्टमेटिक फ्लो, नो कम्युनिकेशन गैप, क्लैरिटी अबाउट हु इज सीनियर एंड हु इज जूनियर. इसी का ऑपोजिट कर दो तो वो हो जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट इफ द प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू बी फॉलोड, मीन्स कम्युनिकेशन गैप विल बी देयर, zigzag फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नो क्लैरिटी दैट हु इज सीनियर एंड हु इज जूनियर. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ये बच्चे मेन गलती कर देते हैं, वो इसको समझते हैं दिस ऑर्डर मीन्स कमांड, बट दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कमांड, इट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स एवरी पर्सन, एवरीथिंग, इट शुड हैव अ पर्टिकुलर प्लेस, मीन्स इट शुड बी क्लियर कि किस आदमी की कौन सा कैबिन है और किस वस्तु को रखने की कौन सी जगह है.
means everything, every article, every person should be placed at a fixed should be placed at a fixed place, so that no confusion should be there. If any person wants to meet his senior, he should know that where I can get that person. If he want any tool, he should know where is the tool room. तो एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, हर चीज प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए, ताकि उसको ढूंढने में ना किसी व्यक्ति को ढूंढने में ना किसी टूल को ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट हो. दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. मीन्स सब एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लेस्ड, एवरीथिंग, एवरी मटेरियल, एवरी पर्सन हैज अ फिक्स्ड प्लेस. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अगर इफ एवरीथिंग is at its fixed place, then what will be the positive impact? Definitely there will be no wastage of energy in finding the fruits or finding the person, no wastage of time, no wastage of efficiency, no wastage of energy, and that efficiency, that energy will be used for the organization. So no wastage of time and energy, no chaos will be there, organizational objectives will be achieved with the minimum time, with the minimum energy. Okay, so that is the principle of order. Next principle is principle of equity. But principle of order mein jo ye positive impact hai, isi ka negative ban jayega ki agar principle of order apply nahi ho raha hai to wastage of time hai, wastage of energy hai, wastage of efficiency hai, chaos will be there, they will make the excuses. To isko opposite kar doge to negative ho jayega sir. Okay, now नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट विथ ऑल द एम्प्लॉयज. मीन्स रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द पर्सन, डजंट मैटर आइदर दे आर वर्किंग एट द टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल. सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन रूल्स विल बी देयर फॉर ऑल द पर्सन. And no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex or religion or the nationality. No discrimination should be there. All will be treated in a fair and just manner, and the same rules will be applicable for all the employees. That is known as the principle of equity. इसे एक example देते हैं बेटा आपको. The question that generally comes in the paper. For example, one person is X. Okay, he is a male member, he is working in the organization, and second is A. A is a female member. Okay, so one is male and second one is the female. Both are working at the same level with the, they are having the same educational level, they are having the same efficiency. Okay, but when the time of promotion comes, at that time the male member is given the promotion. Why? Because the top level says that the male member will be given the promotion because the female person she cannot deal with the complexity of the higher level. But in this case, if the question is asked then which principle is violated, then that will be the principle of equity. It will not be the principle of remuneration, that who is promoted, why he is promoted. It means because the senior job, the higher job is given only to the male member. Why? Because they are saying that the female cannot deal with the complexity. It means they are not going to apply the principle of equity, because both were having the same education, same efficiency level, same qualification. Okay, in that case both can be promoted. But if one is left on the basis of sex only, it means principle of equity will be violated. Okay, now if this principle is applied, what will be the positive impact? Fair treatment hai, just treatment hai, same disciplinary rules hai. In that case, the positive impact, morale will be high, belongingness will be there, they will be motivated, and labor turnover will be less. Is jo point hai labor turnover, isko zyadatar bacche galat samajh lete hain. Labor turnover ka matlab hota hai that the workers will not like to leave the organization. जो वर्कर्स है वो वहां पे रहना, ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेंगे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे. सो लेस लेबर टर्नओवर एंड द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर्स, बिकॉज दे नो दैट सेम रूल्स आर देयर फॉर द सीनियर्स एज वेल एज फॉर द जूनियर्स. सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज फेयर जस्ट ट्रीटमेंट विद एंड जस्ट ट्रीटमेंट
with all the employees and same rules for all, no discrimination on the basis of caste, color, creed, sex or nationality. So this will be the positive impact. And agar hum isko ulta kar denge, opposite kar denge, that will be the negative impact. That if the principle is violated, the employees will not be satisfied, they will be demotivated, feeling of belongingness will not be there, organizational objectives will not be achieved, labor turnover will be more, and unhealthy relations will be there between the seniors and juniors. So now, next principle is principle of stability of tenure. Tenure का मतलब जब वो काम कर रहे हैं वो टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, पर्सनल मीन्स ह्यूमन बींग्स, वर्कर्स. ओके, तो यहाँ पे एक चीज फेवर की नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन. अगर एक सेंटेंस में आंसर पूछे वो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, देन इट मीन्स नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन. दो चीजें आ गई कि एक तो उनको फटाफट एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह मत भेजो. क्यों ना भेजो? बिकॉज वंस दे गेट एफिशिएंट इन वन टास्क, एट द टाइम यू आर गोइंग टू शिफ्ट दैट पर्सन ऑन द अनदर टास्क. अगेन दैट पर्सन विल यूज हिज एफिशिएंसी, विल वेस्ट सम मोर टाइम टू बी एफिशिएंट इन द सेकेंड टास्क. अगेन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी शिफ्टेड ऑन द थर्ड टास्क. इसका मतलब अगर हम उसकी लगातार ट्रांसफर करते रहे, उसने पहले काम को सीखने में अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट की, वो काम थोड़ा सा आया, आपने उसको सेकंड काम पे शिफ्ट कर दिया, सेकंड काम में उसने अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, आपने क्या किया, उसको सेकंड काम जैसे ही आया वो उसमें एफिशिएंट हुआ, आपने उसको थर्ड काम पे शिफ्ट कर दिया. तो फ्यूल्स इज नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर. जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो बहुत जल्दी जल्दी मत करो. सो नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर. एंड नेक्स्ट इज नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन. Why? Termination means job से निकाल देना. No frequent termination should be there in the organization. ना तो transfer जल्दी जल्दी करो और ना उनको job से जल्दी निकालो. Because transfer तो हो गया clear, right? Transfer का क्या होगा, उसकी efficiency कम हो जाएगी, wastage होगी resources की और time की wastage होगी. तो frequent termination क्यों नहीं होनी चाहिए? Because if the frequent termination is there, then there will always be a feeling of insecurity in the mind of the workers. And with the feeling of insecurity, no person can work. He can never put his 100% in the task. तो फ्यूल कहता है कि आप frequent termination मत करो. अगर उसे लगेगा कि मुझे कभी भी job से निकाल सकते हैं, तो उस feeling के साथ वो कभी अपना best नहीं दे पाएगा organization. Okay? So no frequent transfers and no frequent termination. Termination के लिए एक चीज और. फ्यूल says कि अगर termination करनी पड़े तो वो होनी चाहिए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में. व्हेन देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेटिव ओनली देन टर्मिनेशन कैन बी डन. ओके, तो अगर ये होगा नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, देन व्हाट विल बी द बेनिफिट? डेफिनेटली ट्रांसफर बार बार नहीं हो रही, अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज. ओके, और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी ऑफ माइंड है बिकॉज टर्मिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, then definitely employees turnover will be less. Employees काम को छोड़ के नहीं जाएंगे, they know that my job is secure, तो वो उस वहां पे टिकना पसंद करेंगे. Next is no wastage of time and efficiency because the transfers are not very frequent. उसकी efficiency बढ़ रही है, उसकी energy बढ़ रही है, तो वो सारा फायदा किसको होगा, organizational objectives को achieve करने के लिए. Okay? तो ये हो गए हमारे positive impact. आप इसको ओपोजिट कर दो तो वो हो जाएंगे नेगेटिव इम्पैक्ट. इफ द प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड मीन्स एम्प्लॉयज टर्नओवर विल बी मोर, एफिशिएंसी विल बी लेस, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन द न्यू जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी अचीव प्रॉपर. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. वन सेंटेंस मीनिंग इज द नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मीनिंग क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर गोइंग टू मेक एनी रूल्स, रेगुलेशन, दे आर गोइंग टू सेट सम टारगेट फॉर द वर्कर्स, इन दैट केस फ्यूल सेज एटलीस्ट वंस आस्क द सजेशंस, टेक द सजेशंस फ्रॉम द वर्कर्स. बिकॉज इफ द वर्कर्स सजेशंस आर गोइंग टू बी टेकन,
then the workers will feel motivated because they feel that this target was set by consulting me. So he will be motivated. His efficiency will increase. He will feel that I am the part and parcel of the organization. So these feelings should be there in the organization. So this is the principle of initiative. Means once any decision is going to be taken, and especially when it is related with the employees, must ask the suggestions of the workers. In this way, they will be motivated. Their morale will be high. They will put their best efforts to achieve the targets. लेकिन इसमें एक चीज और फिर होने के लिए that once the decision is taken, doesn't matter either their suggestion was entertained or not. Once the decision is taken, it has to be implemented strictly. उसके बाद कोई चांस नहीं लेना कि वहां पे जाके employees they create any chaos that I had given this suggestion and this is not considered at all. So once the decision is taken, then it has to be implemented strictly, and before the decision any suggestion can be taken. This is the principle of initiative. तो उसका फायदा क्या होगा? Belongingness आएगी workers में, उनका morale ज्यादा अच्छा रहेगा, satisfaction ज्यादा होगी और ultimately वो organization को छोड़कर नहीं जाएंगे, right? And organizational objectives will be achieved. इसका opposite कर दोगे तो अगर principle नहीं apply किया हमने, then all the negative impact will be just the opposite of it. No belongingness will be there, unhealthy relations will be there, the employees turnover will be more, they will not put maximum efforts to achieve the targets, right? So that will be the negative impact. Now the last principle, that is the principle of spirit de corps, means this is the French word actually that is given by Hewitt, spirit de corps. So now the simple meaning of this principle is team spirit. Any task can be done when they are working as a group. That's what is said by कि कोई भी काम करो as a group करो, individually you cannot succeed. So team spirit should be there. Example, 100 units produce करने हैं और हमारे वहां पे 10 workers, हर worker ने 10 units produce करनी है, ठीक है? By chance one worker fell sick, तो हमारे कितने units produce होंगे per day? 90 produce होंगे, 10 का target तो रह गया. Fuel says, if this principle is there, how the work will be done? In that case, all the remaining nine workers, they will divide the target of that single worker among themselves. जो 10 units का target रह गया, वो खुद में बांट लेंगे और organizational objectives को achieve करेंगे. क्यों करेंगे? Because they are working as a group, they are working as a team. ठीक है? तो वो उस sick unit, sick worker का काम खुद करेंगे, because they feel that the team is more important. Teamwork should be there. So that is the spirit de corps, means the team spirit should be there. अगर team spirit है, what will be the positive impact? Definitely, very healthy relations. Second is cooperation. Next is morale will be high. Next is less employees turnover. And the last one is organizational objectives will be achieved. So, अगर वो नहीं होगा टीम स्पिरिट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा. ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं होंगे, अनहेल्दी रिलेशंस होंगे, कोऑपरेशन नहीं होंगे. ठीक. सो दीज ऑल आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स 14 कर लिए बेटा, ठीक है? और जनरली आजकल जो स्कूल्स में बनता है, वैसे तो हमें सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं जिसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो उनमें से एक हमारा ये भी होता है कि हम चाहें तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स भी अपना प्रोजेक्ट बना ले, या वो हम टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी ले लेते हैं. ठीक है? सो नाउ टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यूल, व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड द 14 प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन बाय फ्यूल. ओके, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे.